मुहर्रम पर्व पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से निकलने वाले ताजिए के जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पिपराइज और खोराबार थाने का औचक निरीक्षण किया तथा जुलूस मार्गों में लगाए जाने वाले पुलिसकर्मियों एवं महिला पुलिस की ड्यूटी का जायजा भी लिया। इस दौरान एसएसपी ने थाने का भी निरीक्षण किया और वहाँ महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक रजिस्टर, थाना परिसर में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया तथा जो भी कमियाँ पाई गईं उसे दूर करने के लिए थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को निर्देश भी दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। पहले ही पीछे बना ले, पीछे बना लो, गली छोड़ दो, पानी जाने दो उसके घर में। जी आज औचक तरीके से, चूँकि आज नौवीं और कल दसवीं का मुहर्रम का जुलूस है, पिपराइज हमारा बहुत सेंसिटिव है, उसको देखते हुए अचानक से मैं पिपराइज थाने का भी निरीक्षण किया और वहाँ पर मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया कि किस किस तरह से कहाँ कितने जुलूस हैं और कैसे वो व्यवस्था कर रहे हैं। सभी कुछ ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से। साथ ही साथ खोराबार जो कि हमारा आउटर सर्किल है और वहाँ के जुलूस शहर में आते हैं, एक बड़ी ख़ास बात है कि वो वहाँ से जुलूस अनअटेंडेड ना आए शहर में, उनके साथ लोकल पुलिस रहे और उनकी भी हमने समीक्षा करी। सभी जगह, दोनों जगह ठीक है। और इसके अलावा मैं लोगों को ये साथ में ये बताना चाहूँगा कि नौवीं और दसवीं का मुहर्रम के बहुत सारे जुलूस और बहुत सारे प्रदर्शन चलते हैं, इसमें बहुत सावधानी रखें लोग और कतई अफवाहों पर ध्यान ना दें। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और जो भी इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ़ बहुत कठोर कार्रवाई होगी और इसमें पूरी तरह से पुलिस प्रबंध, ड्रोन कैमरा, सादी वर्दी में PAC, पुलिस, सभी तरह की फोर्सेस लगी हैं और भारी मात्रा में हमने डिप्लॉयमेंट किया है। कहीं भी कोई ऐसी वारदात नहीं होने पाएगी। मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि कहीं कोई ऐसी कोई बात है तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर पे सूचित करें, कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो तुरंत बताएं पुलिस को। जी बिल्कुल, PAC आई है और बाहर से सिविल में और भी सादी वर्दी के लोग लगे हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगी है और 24 घंटे की ड्यूटियाँ लगी हैं। आप देखेंगे हर जगह हम चाक चौबंद हैं और इस त्यौहार को सकुशल जो है संपन्न कराएंगे।